कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आपकी दुआओं से जी हम भी बिल्कुल ठीक है, और खुदा हमसे उम्मीद करते हैं आप खैर खरीद होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। और गाइस जितने भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो गाइस आज की एक्टिविटी क्या होने वाली है वो आपसे शेयर करते हैं, तो हमारे साथ यूँ भी बने रही हो। जितने भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। और जितने भी न्यू फ्रेंड हैं, थैंक यू दिल की गहराइयों से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और प्लीज़ जितने भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक्टिविटी के साथ। लेके आए इमरान साहब सब्जियाँ, यहाँ लिखे हैं करेले 2 किलो, पालक 4 किलो। वैसे पता नहीं ये कि दिन हम लोगों ने खा लेनी है, वैसे तो ये थोड़ी सी बन जाती है सुकड़ के। और यहाँ देखिए तोरी कितनी फ्रेश फ्रेश है, और इमरान को तोरियाँ बहुत पसंद है, तोरी टिंडा कद्दू। तो गाइस जी भी लेके आए हैं अभी अभी, मैंने बनाई थी आज आलू मटर गाजर, बहुत मज़े के बने हैं। अभी मैं बनाने लगी उनके लिए रोटी, बनाने लगी हूँ रोटी। तवा मेरा गर्म हो गया और यहाँ मैंने पेड़े भी कर लिए हैं। और ये जी पंजाब के आटे की रोटी है, और इतना ब्लैक आटा नहीं है हमारा, आटा वाइट ही है यहाँ देख सकते हैं। लेकिन हम कराची में रह के भी गंदम का आटा खाते हैं, मैदा जो है ना वो हम में से किसी को रास नहीं है। बच्चों को भी गैस, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो जैसे गंदम का आटे पे आते हैं तो ठीक हो जाते हैं सब। पूछते हैं इमरान साहब से कि आलू मटर गाजर कैसी बनी? आलू मटर गाजर जो है ना अच्छी बनी है, आपकी फेवरेट सब्जी है ना। हाँ, बाकी सही बनी है। हाँ, सही। गाइस यहाँ पे मैंने पालक रखी है, काट कर रखी है। अभी इमरान रात को लेके आए थे, जैसे कि आपको दिखाई थी सारी सब्जी, करेले, तोरी, पालक, टमाटर, ऐसी चीज़ें, कुछ प्याज लहसुन सब उसने पहले ला के रखी। तो अभी मैंने इसे उबाइल करना है। और जो ब्लड प्रेशर और पित्ते के मरीज़ हैं, पथरी के मरीज़ हैं, या जिनके खाने से पेट में दर्द होता है पालक को, और वो क्या करें, पालक को ऐसे उबाइल कर लें, जब देखो 2-3 उबाइल आ गए हैं इसमें, इसका पानी निकाल दें और फिर मसाला जैसे फ्राई करके, आलू फ्राई करके इसमें डाल दें, पालक डाल दें, क्योंकि असर जो है उसका पानी के अंदर निकल जाएगा और वो कोई नुकसान देनी होगी ना, उससे जलन होगी ना, पेट में दर्द और ना ब्लड प्रेशर हाई। और यहाँ पे मुझे रात को जो पानी फल भी लेके आए थे वो भी वैसे पड़े हुए हैं। ये 2 किलो थे जिसमें से कितने 5 दाने बचे हैं। और आटा मैंने भून के रखा था, अभी मैं फ्रिज की सेटिंग करूँगी। और इन लोगों ने चरपाई की रस्सी तोड़ दी है, यहाँ देखें ये पूरी चरपाई अब दोबारा बनेगी। जब मैं गई थी नहीं बनवा के गई थी, तो यहाँ देखिए इसका भिड़ा वर्क कर दिया। तो मैंने तो कल से अपने पौधे भी नहीं देखे, वो भी देखते आएंगे कैसे। माशाल्लाह जामुन का पौधा कितना प्यारा हुआ है, और यहाँ देखिए क्यूट सा फूल खिला है। और ये एलोवेरा भी सही है। और ये मैंने जड़ी ये बूटी लगाई थी गुलदुपैरी बीच में, ये एक डंडी थी, देखो कितनी सारी हो गई है। और ये बेचारा मेरे ख्याल पानी की वजह से मुरझा रहा है और नीचे से नया हो रहा है, ये देखिए ये नई शार्क निकली है इसकी। बच्चे भी स्कूल से आने वाले, यहाँ गली में भी कोई नहीं है। खैर धूप अच्छी खासी हो रही है, देखिए कैसे बैटरी चार्ज हो रही है जल्दी जल्दी। पंखा इतनी स्पीड से चल रहा था, मेरे को लाइट भी आ गई है। सफाई वगैरह तो कर ली थी, लेटी हुई थी मैं। यहाँ मैं आलू की कटिंग करने लगी हूँ, दाल डालनी थी मैंने, लेकिन अब मैं आलू डालूंगी। तो दाल के लिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि दालें वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है जी। गाइस मैंने यहाँ पे आलू जो है वो काट लिए हैं, और अब
इनमें पानी डालती हूँ और अच्छे से इन्हें हल्का सा नमक लगा के धोते हैं। वैसे आलू नमकीन है, फिर भी नमक से इसकी वाइबादी निकल जाती है। गाइस देखे कबर भी सेट कर दी है, अम्मी ने की थी और शुक्र है कि बच्चों ने ख़राब नहीं की दोबारा। तभी मैं अपने कपड़े रख रही थी। रिडम मैडम की कबड़ भी जो है उसने भी अपनी सेट करवाई है अपनी छू मम्मा से, फिर दादों ने सेट किया और अभी तक सेट है। मैं करती हूँ तो ये लड़के उसी वक्त बच्चे जो है ना काम ख़राब कर देते हैं। यहाँ देखो गाइस आलू मैंने रखी थी और इस सब ये सेट हो गई है। अब देखें इसे उबाइल आ गया है अच्छे से। अब इसका असर जो है ना आधे से ज़्यादा इस पानी में है, ये पानी निकाल देंगे। यहाँ मैंने आलू धो के रख लिए हैं और मैं आलू डाल दूँ। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। हमारे बच्चे को ना पालक भी शौक से खाते लेकिन हर सब्जी में आलू ज़्यादा है। अब गाइस ये पानी मैंने निकालना था लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने नहीं निकाला। ये पानी देखिए सारा एक साइड पे है और पालक ऊपर है और ये सारा असर इसके अंदर है। इसके कलर से ही आपको पता चल रहा होगा। तो अब ये पालक जो है हम मसाले के अंदर डालेंगे, लेकिन अभी थोड़े से मैंने थोड़ा आधा कप पानी का डाला है, अच्छे से आलू गल जाए फिर पालक शामिल कर दें। ट्यूशन कितने बजे जाते हो ट्यूशन? अस्सलाम वालेकुम सर। कितने बजे? जोर से बोल लो। पापड़ इतने खाती हो तो फिर गला ही खराब होगा। तो यहाँ यशवा भी तो ये जा रहे हैं अभी ट्यूशन। तो गाइस आज का व्लॉग था हमारा यहीं तक। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।